हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से जुड़े सभी प्रोविजंस, हाउ टू मेक इनवॉइस इन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कब हमारे ऊपर इनवॉइस बनाने की लाइबिलिटी आती है और क्या उसका फॉर्मेट होता है, किस फॉर्मेट में हमें वो इनवॉइस बनाना है, अकाउंटिंग एंट्रीज इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज के केस में कौन सी अकाउंटिंग एंट्रीज हमें अपनी बुक्स में पास करनी होती है। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। इससे पहले देखने से पहले सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए जानते हैं रिवर्स चार्ज से जुड़ी सारी बात। सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल केस और रिवर्स चार्ज वाले केस में क्या डिफरेंस है। पहले देखिए नॉर्मल केस। नॉर्मल केस में फ्रेंड्स क्या होता है, जीएसटी इज पेड बाय सर्विस प्रोवाइडर सेलर। एज यू नो कि नॉर्मली होता क्या है कि हम किसी से सर्विसेज अवेल कर रहे हैं या गुड्स परचेज करते हैं तो हम उसको पेमेंट कर देते हैं और जो उस पर टैक्स की लाइबिलिटी होती है वो सप्लायर की हो जाती है। एग्जाम्पल दे रहा हुआ है, ए प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विस टू बी फॉर 1 लाख एट द रेट 18% जीएसटी। इस केस में ए ने बी को सर्विसेज दी हैं तो बी ने क्या किया है, बी नॉर्मल केस में क्या करता है, सर्विस का प्राइस और उसके ऊपर जो भी टैक्स बन रहा होता है वो ए को पे कर देता है। इसके बाद ए को यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो बी है उस पर टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट करने की आ जाती है, ए का इससे कोई रिलेशन नहीं होता। रिवर्स चार्ज के केस में जीएसटी इज पेड बाय सर्विस रिसीवर एंड दैट इज बायर। जीएसटी के केस में क्या होगा, जो रिवर्स चार्ज के केस में क्या होगा, जो जीएसटी पे करने की लायबिलिटी है वो सर्विस रिसीवर पे आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, सेम एग्जांपल हमने लिया है, इसमें बी क्या करेगा, 1 लाख तो ए को पे कर देगा और जो 18,000 इस पे जीएसटी है वो बी की लायबिलिटी आ जाएगी कि वो उसको गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा, यहाँ पे ए की लायबिलिटी नहीं होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि वेयर रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल। अब हम ये बात कर रहे हैं कि जैसे रिवर्स चार्ज, तो ये रिवर्स चार्ज हम पे कब अप्लाई होगा, कब हमें रिवर्स चार्ज के अंडर जो है टैक्स पे करना होता है। तो इसके लिए सेक्शन है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 हमें कहता है कि अनरजिस्टर्ड टू रजिस्टर, यानी कि जब भी हम कोई सप्लाई गुड्स की या सर्विसेज की अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेते हैं तो हमारे ऊपर रिवर्स चार्ज के अंडर टैक्स लाइबिलिटी आ जाती है। आइए पढ़ते हैं इसे। द सेंट्रल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज और बोथ बाय सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड। अगर हम किसी ऐसे सप्लायर से सर्विस ले रहे हैं हु इज नॉट रजिस्टर्ड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी पेड बाय सच पर्सन ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस एज द रिसिपियंट को ये पे करना होगा। एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच रिसिपियंट एज ही इज द पर्सन लाइबल फॉर पेइंग टैक्स इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यानी कि अगर हम किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई सर्विस ले रहे हैं तो टैक्स लाइबिलिटी जो होगी वो रिसिपियंट की हो जाएगी और जो भी प्रोविजन्स जो एक नॉर्मल टैक्स पेयर के ऊपर होते हैं, यानी कि पेनल्टी या लेट फी, वो जो है वो भी प्रोविजंस रिसिपिएंट के ऊपर ही अप्लाई हो जाएंगे। सेकंड केस है नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने ऐसे कुछ गुड्स और सर्विसेज नोटिफाई किए हुए हैं जिनके ऊपर हमें रिवर्स चार्ज के अंडर टैक्स पे करना है। उन गुड्स और सर्विसेज की अभी बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 हमें कहता है द गवर्नमेंट मे ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन सप्लाई कैटेगरीज ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ द टैक्स ऑन विच शैल बी पेड ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय रिसिपियंट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ एंड ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल अप्लाई टू सच रिसिपियंट एज ही इज द लाइबल फॉर पेइंग द टैक्स इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ। यानी कि इस केस में भी जो रिसिपियंट है उसे ही टैक्स पे करना होगा जिन सर्विसेज को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है। आप जानते भी होंगे जैसे GTA की सर्विस है, सर्विस सप्लाई बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पार्टनरशिप फर्म, अगर कोई सर्विस प्रोवाइड करी है, या रिकवरी एजेंट्स जो हैं बैंकों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद हम सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं रिवर्स चार्ज के केस में वो हम देखते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है कि जब हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है रिवर्स चार्ज पे करने की। तो टाइम ऑफ सप्लाई हम कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम गुड्स का केस ले लेते हैं। गुड्स के केस में हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, सबसे पहली चीज़ हम यही देखते हैं
अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, किस दिन हमें गुड्स रिसीव हुए हैं, डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इनवॉइस, जिस दिन हम इनवॉइस की पेमेंट कर रहे हैं, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस प्लस 30 डेज, यानी कि जिस दिन इनवॉइस इशू की है उससे 30 दिन ऐड कर सकते हैं हम रिवर्स चार्ज पे करने के केस में, तो जो भी पहले है यानी कि उस वो हमारे टाइम ऑफ सप्लाई होगी और उस दिन हमें जो है रिवर्स चार्ज पे करना होगा। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द अबव मेंशन्ड केसेस, देन डेट ऑफ एंट्री इन द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ रिसिपिएंट। अगर हम तीनों ही केसेस में फेल हो जाते हैं टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने में, तो जिस दिन हमने बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री की है वो दिन हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेते हैं और उस दिन हमारे ऊपर रिवर्स चार्ज की जो लाइबिलिटी है वो अराइज हो जाती है। अब देखते हैं डेट ऑफ पेमेंट क्या है क्लॉज टू के लिए। हम कह रहे हैं ना कि डेट ऑफ पेमेंट, अर्लीस्ट ऑफ द डेट ऑन विच रिसिपिएंट एंटर द पेमेंट इन बुक्स ऑफ अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में वो एंटर कर देता है भाई आज पेमेंट हो गई है, और द डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट, या फिर जिस दिन वो बैंक अकाउंट में डेबिट हो गई है। दोनों में से जो काम भी हम पहले करेंगे हम उसे डेट ऑफ पेमेंट मान लेंगे। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया है कि सपोज करो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड है 1 जनवरी, डेट ऑफ पेमेंट है 28 जनवरी और डेट ऑफ इनवॉइस है 15 जनवरी। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? एज वी कैन क्लियरली सी टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स। अगर हम इन तीनों केसेस में डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जिस दिन हमने अकाउंट में एंट्री की। इसके बाद हम देख लेते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई सर्विसेज के केस में क्या होगा। अर्लीस्ट ऑफ फॉलोइंग, डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ इनवॉइस, यहाँ पे प्लस 60 डेज, यानी कि जिस दिन इनवॉइस बना है उससे 60 डेज हम उसमें ऐड कर लेंगे और उस 60 डेज के बाद हमारे पास जो है टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा। इसमें भी यही है कि इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन द अबव मेंशन केसेस, द डेट ऑफ एंट्री इन बुक्स ऑफ अकाउंट, जिस दिन बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री हुई है उसको हम मान लेंगे। इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल है, अगर डेट ऑफ पेमेंट 1 अगस्त की है, डेट ऑफ इनवॉइस 20 अगस्त का है, तो ऑब्वियसली डेट ऑफ पेमेंट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई। और डेट ऑफ पेमेंट हमने डिस्कस किया था, अर्लीस्ट ऑफ डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड फ्रॉम बैंक अकाउंट, दोनों में से जो भी चीज़ अर्ली होगी उसको हम कंसिडर कर लेंगे डेट ऑफ पेमेंट। अब देखना है कि हाउ टू पे टैक्स अंडर RCM। अब हमने निकाल लिया कि हमें टैक्स कब पे करना है, टाइम ऑफ सप्लाई से हमें पता चल गया कि टैक्स कब पे करना है। अब हम ये देखेंगे कि हमें टैक्स कैसे पे करना है। सेक्शन 49 सबसेक्शन 4 हमें बता रहा है, अलाउज द ITC टू बी यूज्ड ओनली फॉर पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स। सेक्शन 49 सबसेक्शन 4 हमें कहता है कि जो ITC का क्रेडिट हमारे पास क्रेडिट लेजर में होता है उसे हम सिर्फ और सिर्फ अपना आउटपुट टैक्स पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। So it can be interpreted that ITC cannot be used for payment of tax under RCM, यानी कि हम अपना जो ITC है वो RCM को पे करने में यूज़ नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी के केस में यूज़ होता है। तो इट मीन्स कि RCM जो है वो हमें कैश में पे करना होगा, कैश लेजर से पे करना होगा, उसे हम क्रेडिट लेजर से पे नहीं कर सकते हैं। हाँ, पे करने के बाद हम RCM का ITC आगे ले सकते हैं। अब हम कुछ केस डिस्कस कर लेते हैं। वेदर द टाइम लिमिट ऑफ पेमेंट ऑफ इनवॉइस विद इन 180 डेज अप्लाइड इन RCM फॉर क्लेमिंग ITC। एज यू नो कि RCM पे करने के बाद जब हम रिवर्स चार्ज के अंडर टैक्स पे करते हैं तो हम उसका आगे ITC ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि जब हम नॉर्मल ITC लेना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि जिस इनवॉइस का हम ITC क्लेम कर रहे हैं उसकी पेमेंट हम 180 डेज के अंडर कर दें। अगर हम 180 डेज के अंडर उसकी पेमेंट नहीं करते हैं तो हमें अपना ITC जो है वो रिवर्स करना पड़ता है। क्या ये चीज़ हमारे RCM पे भी अप्लाई होती है? तो नो, हम RCM का रिवर्स चार्ज का ITC जो है ले सकते हैं। जिस दिन हम रिवर्स चार्ज की पेमेंट करते हैं गवर्नमेंट को उसी टाइम हम जो है वो हो जाते हैं कि हम अपना जो ITC है वो क्लेम कर सकते हैं। सेकंड केस आता है कंपोजिशन डीलर से रिलेटेड। टू कंपोजिशन डीलर विल पे टैक्स अंडर RCM, क्या उन लोगों को भी पे करना होता है? विल दे बी एबल टू टेक ITC?
सेक्शन 10 सब सेक्शन 1 हमें कहता है कंपोजिशन स्कीम डज नॉट अफेक्ट द लायबिलिटी ऑफ डीलर टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, यानी कि कंपोजिशन डीलर के केस में भी हमें आरसीएम पे करना होगा. कंपोजिशन डीलर शैल पे द टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज एट नॉर्मल रेट एज प्रिस्क्राइब्ड ऑन सच सप्लाई एंड नॉट एट द रेट विच इज़ एप्लीकेबल फॉर देयर कैटेगरी, यानी कि उन्हें भी सारे नॉर्मल प्रोविजंस ही फॉलो करने होते हैं आरसीएम के केस में. उन्हें उन्हीं रेट पर आरसीएम पे करना होता है जो सबके लिए है, ना कि कुछ स्पेशल केसेस. नाउ इनवॉइसिंग, अब हम बात करते हैं इनवॉइसिंग की. इनवॉइस हमें किस किस केस में इशू करना, मतलब कि बायर की लायबिलिटी किस केस में आती है इनवॉइस बनाने की, क्योंकि जनरली सेलर की लायबिलिटी होती है इनवॉइस बनाने की, सेलर हमें इनवॉइस बना के देता है, बट एज अ रिसिपियंट एज अ बायर हम कब इनवॉइस बनाएंगे. इफ वी परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, अगर हम अनरजिस्टर्ड डीलर से लेंगे तो इनवॉइस हमें बनाना होगा, क्योंकि वो तो हमें इनवॉइस बना के दे नहीं सकता. अनरजिस्टर्ड डीलर से कब होगा, या तो उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 20 लाख से कम होगी, कि उसने रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, तो ऐसी केस में जो है रिसिपियंट की लायबिलिटी होती है इनवॉइस बनाना. यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट मैं बात आपको बताना चाहूँगी कि पेमेंट वाउचर हम हर केस में बनाएंगे, चाहे हम किसी रजिस्टर्ड डीलर से भी परचेज कर रहे हैं. पेमेंट वाउचर जो है वो हमारे लिए मैंडेटरी है बनाना, उसे ज़रूर बनाना है. अब अनरजिस्टर्ड केस डीलर का केस हमारे पास दोनों ही सेक्शंस में आ सकता है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में भी आ सकता है, और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 तो है ही अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज का सेक्शन, कि जब हम किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करते हैं तो हमें इनवॉइस बनाना है. सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 में जो गवर्नमेंट ने कुछ सर्विसेज नोटिफाई की हैं जहाँ पे आरसीएम लगेगा, अब उसमें दोनों ही केस हो सकते हैं, रजिस्टर्ड डीलर भी हो सकते हैं और अनरजिस्टर्ड डीलर भी हो सकते हैं. रजिस्टर्ड डीलर तो अपना इनवॉइस खुद ही बना के दे देंगे, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड डीलर होंगे जिनकी थ्रेशोल्ड लिमिट अभी कम होगी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, तो उनके केस में भी इनवॉइस जो है वो हमें बनाना है. आइए एक बार आपको दिखा देती हूँ मैं फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में हमें इनवॉइस बनाना होगा. ये हमारा फॉर्मेट है जिसमें जो है हमें इनवॉइस बनाना होगा. इस इनवॉइस में आप सबसे ऊपर देख रहे हैं कि मैंने इनवॉइस नेम में मेंशन किया है आरसीएम, यानी कि हमें जो इनवॉइस बनाना है उसको कुछ इस तरह से कुछ डिफरेंट नाम हमें देना होगा, जैसे आरसीएम या अनरजिस्टर्ड से अगर आप ले रहे हैं तो यूआरडी. इस तरीके से आप उसको एक सेग्रीगेट कर सकते हैं अदर इनवॉइसेस से, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने इनवॉइस नंबर डालें या उनको सर्च करें तो आपको एक पता चल जाए कि मुझे ये जो इनवॉइसेस हैं इनका आईटीसी नहीं लेना है, इनकी जो पेमेंट है वो मुझे कैश लेजर से करनी है. तो इस तरीके से आप अपना इनवॉइस जो है वो बिल्कुल नॉर्मल इनवॉइस जैसे बनता है बिल्कुल वैसे ही बनाया हुआ है, बस इसका जो इनवॉइस नंबर है उसको आप चेंज करके जो है इसको दूसरे इनवॉइसेस से अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट हम देखना चाहेंगे जनरल एंट्रीज. जनरल एंट्रीज़ किस तरीके से हमें अपनी बुक्स में करनी है जब हम अपना आरसीएम के अंडर जो है एंट्री करते हैं. सपोज़ करो ए ने गुड्स से ए परचेजेस गुड्स फ्रॉम बी, बी से गुड्स खरीदे हैं हु इज़ अनरजिस्टर्ड, जो कि एक अनरजिस्टर्ड है, तो हम अपनी एंट्रीज़ कैसे करेंगे. परचेज अकाउंट डेबिट टू बी, जो कि हम नॉर्मली करते हैं. उसके बाद हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे, यू आर डी सी एच सी जी एस टी इनपुट डेबिट, एस जी एस टी इनपुट डेबिट टू पेबल, यानी कि हम अपनी लायबिलिटी भी अराइज कर लेते हैं और उसको एज अ इनपुट भी हम जो है उसका क्रेडिट भी ले लेते हैं. तो इसकी एंट्री हम इस तरह से पास करेंगे इसको इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, कि हमारे पेबल की भी लायबिलिटी अराइज होगी और उसका आई टी सी भी हमने बुक कर लिया. उसके बाद अगर हम रजिस्टर्ड डीलर से लेते हैं तो यू आर डी की जगह मैंने सिर्फ उसको आर सी एम चेंज कर दिया, यानी कि आर सी एम सी जी एस टी इनपुट आर सी एम एस जी एस टी इनपुट. और परचेज तो नॉर्मल परचेजेस टू वेंडर, वो तो नॉर्मल आ गया, और यहाँ पे मैंने अपनी इनपुट लाइबिलिटी इनपुट क्रेडिट भी बुक कर लिया और अपनी आर सी एम की पे करने की लाइबिलिटी भी जनरेट कर ली. इस तरीके से मुझे अकाउंटिंग एंट्रीज जो है अपनी बुक्स में पास करनी है. आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू सो मच.